भारत चीन सीमा पर भारत की सीमा में जबरदस्ती घुस आई चीन की सेना को वापस भेजते समय हुए विवाद में भारत के वीर जवान और एक कर्नल शहीद हो गए थे। चीन के विरोध में भारतवर्ष में चीन के खिलाफ रोष व्याप्त है, जिसमें 20 जवान शहीद हुए थे। इसी क्रम में भैरुंडा प्रखंड के गोपालपुर खंड में विहित बजरंग दल द्वारा चीन राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया, साथ ही चीनी सामान की होली जलाई गई। वे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा चीन के सामान का पूर्णतः बहिष्कार करते हुए जन जागरण अभियान भी प्रारंभ किया गया है। बजरंग दल द्वारा आह्वान किया गया है कि भारतीय बाजार में चीन के सामान की बहुव्याप्तता हो। सभी अपने देशभक्ति का परिचय देते हुए चीन के सामान की खरीदी ना करें। बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं ने आज से चीन की कोई भी सामग्री ना खरीदने का संकल्प लिया। साथ ही नगर में भी इस हेतु जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। दुकानदारों भाइयों से निवेदन है कि आगे से चीन की कोई भी सामान विक्रय हेतु ना खरीदें और शहीद हुए अपने वीर सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि दें। उपरोक्त कार्यक्रम में विभाग प्रसार प्रमुख छगन, जिला मंत्री राजा सिसोदिया, जिला सुरक्षा कमल मोहित तिवारी, कमलेश मिश्रालाल, गौराजी एवं समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। नसरुल लगन से चांदनिया की रिपोर्ट, KKR न्यूज भोपाल। राजा क्या प्रोग्राम है? परिषद जिला मंत्री जी, आज हम सब यहाँ पर चीन के जो कृत्य काम हुए हैं, चीन ने हमारी सेना पर जो आक्रमण किया है जिससे हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, इसलिए हम आज उनका पुतला दहन करने आए हैं। और भारतवासी से ये अपील करते हैं कि चाइना का जो सामान है वो ना खरीदें। और जिस प्रकार हमारी सेना के रोज जवान शहीद हो रहे हैं, इसलिए हम उनको एक श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं और निवेदन करते हैं पूरे भारतवासी से कि इसकी आर्थिक स्थिति हमको कमज़ोर करना है। और जिस प्रकार ये आर्थिक स्थिति इसकी कमज़ोर करके हम भारतवासी के जो जवान हमारे शहीद हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें। जय हिंद, जय भारत।